के रोज यहाँ पर कुरान की तिलावत होती है, रोज फरिश्तों के लिए यहाँ पर छतरी लगती है। अल्लाह अकबर, काबिले मुबारकबाद है ये गांव वाले। इस गांव में वो अल्लाह की मुकद्दस फरिश्तों की जमात नाज़िल हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है इस कुरान मुकद्दस के पढ़ने की बरकत। मगर अफसोस बुरा नामा में आजकल मैं अपनी तकरीरों में अर्ज कर रहा हूँ, आज मेरी कौम, मेरी मुस्लिम कौम, आज मेरे नौजवान बजाय इसके कि कुरान मुकद्दस पढ़कर के ये छतरी लगाए, नहीं नहीं, बल्कि आज तो मेरा नौजवान अल्लाहू अकबर अपने घर में छतरी लगा रहा है तो कुरान पढ़ने की नहीं लगवा रहा है, बल्कि टीवियों के लग रहे हैं, बे टीवियों की छतरियां लग रही है। आज जनाबे वाला अपने नौजवान को देखो, बड़े से बड़ा मोबाइल लेकर के घूम रहा है, बड़े से बड़ा मोबाइल लेकर के गाने सुनते नजर आ रहा है, घर में लेटा है तो गाने सुन रहा है, माँ मना कर रही है, बूढ़ी माँ बड़े प्यार से समझा रही है, ए मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे लगते जिगर, अब सो जा, ये मोबाइल देखने का टाइम नहीं है, गाने मत सुन। मगर बूढ़ी माँ की नहीं सुन रहा है, अल्लाहु अकबर, कानों के अंदर लीड लगी है, सुन रहा है, अपने घर से बाहर निकल रहा है, मोटरसाइकिल पर बाद में बैठता है, पहले अपने कानों में लीड लगा रहा है, कार में बैठा है, बस में बैठा है, ट्रेन में सफर कर रहा है, मेरा ये मुसलमान नौजवान मगर गाने सुनते हुए सफर कर रहा है। बोलो मुसलमानों, घर में लेटे तो गाने सुन रहा है, मोटरसाइकिल पर बैठा है तो गाने सुन रहा है, कार में, जीप में बैठा है तो गाने सुन रहा है, बस में, मोटर बस में बैठा है तो गाने सुन रहा है, ट्रेन में बैठा है तो गाने सुन रहा है। पूरा मजमा ईमानदारी के साथ बताओ, मैं पूरे मजमे से पूछना चाहता हूँ, पूरी सच्चाई से बताना, क्या किसी को पता है, क्या किसी को मालूम है, क्या कोई जानता है कि मेरी मौत कब आएगी? क्या है किसी को पता? अरे ये भी हो सकता है कि हमारी मौत कल को आ जाए, ये भी हो सकता है हमारी मौत परसों को आ जाए, और ये भी हो सकता है कि हमें स्टेज से उतरना भी नसीब ना हो। अब जरा तवज्जो कीजिए मेरे मुसलमान दोस्तों, जब ये भी हो सकता है कि हमें अभी मौत आ जाए, अब मेरा भाई जो गाने सुन रहा है, जरा तवज्जो के साथ मेरी बात को सुन लो, गाने सुनते सुनते कितने नौजवान सो गए, अब नींद ले रहा है, गानों की नापाक आवाज उसके कानों के जरिए से दिल में जा रही है, मोटरसाइकिल पर चल रहा है, गानों की नापाक आवाज कानों से दिल में जा रही है, कार में, बस में सफर कर रहा है, ट्रेन में सफर कर रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, खुदा न करे हमारी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह न करे रात को हम सोए तो कोई ऐसा ना हो कि हमको मौत आ जाए, हमारी बस का कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। ए मुसलमानों, ए जय दोबारा के नौजवानों, जरा कान लगा करके मेरी गुफ्तगू को सुनो, हम मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं, लीड हमारे कानों में लग रही है, हम गाने सुनते हुए जा रहे हैं, अपने घर में हम लेटे हैं, जनाबे वाला लीड कानों पर लग रही है, गाने सुनते सुनते हम सो गए, अल्लाह न करे मुसलमानों हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया, हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया, हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया, और इसी हालत में अगर हमको मौत आ गई, किस हालत में मौत आ रही है कि कानों की नापाक आवाज हमारे कानों के जरिए दिल में जा रही है, हम चार पाई पर पड़े हुए हैं, हमारी रूह निकल रही है, बस का एक्सीडेंट हो गया है, हमारी रूह निकल रही है, जीप का एक्सीडेंट हो गया है, हमारी रूह निकल रही है। मुझे पूरा मजमा अल्लाह के लिए ईमानदारी के साथ बताओ कि हमारी रूह निकलते वक्त अगर कानों की नापाक आवाज हमारे कान के जरिए से हमारे दिल में जा रही हो, हमारे अंदर जा रही हो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरी ईमानदारी से बताना, हमारी रूह लेने के लिए उस वक्त अल्लाह के अजाब के फरिश्ते आएंगे या अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आएंगे? बोलो बोलो, अल्लाह के अजाब के फरिश्ते आएंगे। अब हम में से कौन है ऐसा जो इस बात को चाहता है कि मेरी रूह को लेने के लिए अजाब के फरिश्ते आए? कोई ऐसा नहीं होगा, बल्कि हर मुसलमान यही चाहेगा, मेरी रूह को लेने के लिए अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आए। हाफिज हो तो वो यही चाहते हैं, कारी हो तो यही चाहते हैं, आलिम हो तो यही चाहते हैं, फाजिल हो तो यही चाहते हैं, मुफस्सिर हो तो यही चाहते हैं, मुहक्किक हो तो यही चाहते हैं, मास्टर हो, बैरिस्टर हो, वकील हो तो यही चाहते हैं, जो मुसलमान